सबसे पहले मैं शहीद चंद्रशेखर आजाद को नमन करता हूँ, जिन्होंने देश के लिए अपना सर्वत्र न्यौछावर कर दिया। उन्हीं के मार्ग पर चलते हुए मैं देश के युवाओं को एक संदेश देना चाहता हूँ कि अपने दिल में देशभक्ति का जज्बा कायम रखें। आज से मेरा भी यह संकल्प है कि मैं शिवशंकर मिश्रा और बब्बी महाराज हर असहाय निर्धन दिव्यांग व मानसिक रोगियों की हर मदद करने का प्रयास करूंगा। अगर आपकी नजर में कोई भी असहाय हो जो आज परेशान हो, वो मुझसे संपर्क कर सकता है। आज उस समय किसानों के चेहरों पर खुशी देखने को मिली जब दो क्षेत्रीय विधायकों द्वारा पूजा अर्चना कर पहली बार नहर का मुख्य फाटक खोलकर पानी छोड़ा गया। बरसों बाद नहर के पानी से सिंचाई अब आसान होगी। झांसी के टोडी फतेहपुर क्षेत्र में शनिवार को निकटवर्ती ग्राम महेवा में करोड़ों रुपए की लागत से बने चौधरी चरण सिंह लखेरी बांध परियोजना की मुख्य नहर का शुभारंभ भाजपा विधायक जवाहरलाल राजपूत और विधायक बिहारी लाल आर्य ने पूजा अर्चना कर फीता काटकर शुभारंभ किया, जिसमें सिंचाई निर्माण खंड पंचम झांसी डिवीजन सहित क्षेत्र के समस्त ग्राम प्रधान मौजूद रहे। आए हुए मुख्य अतिथियों का माल्यार्पण कर स्वागत किया गया एवं स्मृति चिन्ह और श्रीमद् भागवत गीता देकर सम्मानित किया गया। गौरतलब है कि चौधरी चरण सिंह लखेरी बांध परियोजना की आधारशिला 1992 में रखी गई थी, जो 2009-2010 में पूर्ण कर ली गई थी, लेकिन डूब क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले ग्रामीणों का विस्थापन न हो पाने से बांध को पूर्व में भरा नहीं जा सका था। लखेरी बांध के पानी से लाभान्वित ग्राम के कुल 3,240 किसानों को नहर के पानी से लाभ होगा। वर्तमान में सिंचाई के लिए प्रस्तावित लखेरी बांध की नहर से कुल 1,350 किसान परिवार लाभान्वित होंगे। भाजपा विधायक जवाहरलाल राजपूत ने बताया कि शेष बचे हुए किसानों को भी अति शीघ्र मुआवजा धनराशि उपलब्ध कराई जाएगी। इस मौके पर अधिशासी अभियंता सिद्धार्थ कुमार सिंह, सहायक अभियंता योगेंद्र बाबू सिंह, सहायक अभियंता अनिल कुमार तिलक, सौरभ वर्मा, संजय गौतम, अवर अभियंता बलवीर सिंह, अक्षय कुमार जैन, आर्य कुमार गुप्ता, देव नरेश विश्वकर्मा, आशीष राठौर, छत्रपाल सिंह सहित पूरा डिवीजन व ग्राम प्रधान संजय पटेल, प्रधान उदय सोलंकी, प्रधान आनंद सहित क्षेत्र के सभी प्रधान उपस्थित रहे। देखिए, ये नहर हमारी जो है कुल मिलाकर के 32 किलोमीटर की नहर है। कुल 7 नहरें हैं, कुल मिलाकर 32 किलोमीटर है। 2 विधानसभा में जाती हैं नहरें, इसका पानी 2 विधानसभा को कुल मिलाकर के 25 गांव में पानी जाएगा और करीब करीब 3,500 किसानों को, किसान परिवारों को इससे लाभ होगा। जो किसान खेती नहीं कर पा रहे हैं, जिन किसानों तक पानी नहीं पहुँच पा रहा है, करीब करीब 3,500 अभी नहर पहली बार चलाई गई है, इसलिए ये प्रोजेक्ट के हिसाब से परियोजना जब बनी थी उस हिसाब से 3,500 किसानों को मिलेगा। इस समय मेरी देख रेख में ही आज का कार्यक्रम हुआ है और इससे पहले लगभग मैं यहाँ 3 साल से कार्यरत हूँ जी, और ये टाइम पहली बार जो है मेरे ही कार्यकाल में वोट मारे भरा गया है। किसानों को तो काफ़ी खुशी हुई होगी इस बार नहर, क्योंकि ये कई 22 बार सुनने को मिल रहा है कि 22 साल बाद पानी को उपलब्ध हो पा रहा है किसानों के लिए। जी हाँ, इस परियोजना का शिलान्यास 98 में किया गया था और इसका लगभग 2002-03 से निर्माण कार्य चालू हुआ, जो 2009-10 में पूरा किया गया था, किंतु पुनर्वास गांव का ना होने की वजह से, डूब क्षेत्र में जो आने वाले गांव उनका पुनर्वास ना होने की वजह से ये डैम अभी तक भरा नहीं जा पाया था, जा पा रहा था, और इस बार प्रयास करके लगभग पूरी क्षमता का 1/4 या 1/3 पानी भरा गया है। लाभ हमारे गांव में लगभग 90% लोगों का लाभ है, क्योंकि वह क्षेत्रवासियों को भी लाभ है, जिसकी मान लो आज पूरे गांव में और क्षेत्र में किसानों में खुशी की लहर दौड़ी की नहीं दौड़ी के हर किसान गदगद हो गया। टोडी फतेहपुर से अर्पित शर्मा की रिपोर्ट।